नमस्कार, मिराज 24 न्यूज में स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। दर्शकों, चुनाव आते ही नेता गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। जब तक को 5 वर्ष यह लगता है कि नेता उनके लिए काम करता है, समाज सेवा में लगा है, लेकिन चुनाव आते ही दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है और जहां इन्हें अपना स्वार्थ दिखता है वहीं पलटी मारकर स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी में दल बदल की जिस तरह से राजनीति चल रही है उसे देखकर जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं यह कभी कांग्रेस के नहीं थे, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, दिखावे के लिए, और कांग्रेस में थे। बाकी पूरा कारोबार भाजपा नेताओं के संरक्षण में कर रहे थे, चाहे वह 2018 का चुनाव हो, चाहे 2023 का विधानसभा या आने वाला 2024 का लोकसभा। कांग्रेस प्रत्याशियों की जो भी हार हुई उसमें कमल छाप कांग्रेसियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर हम बात करें रीवा जिले के वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस से नीलम अभय मिश्रा की, तो उनको टिकट मिलते ही पुराने फूल छाप कांग्रेसियों में भगदड़ मच गई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर नीलम अभय मिश्रा लोकसभा पहुंचती हैं तो इनके छत्रछाया में इनकी ठेकेदारी नहीं चल पाएगी, क्योंकि सिमरिया में जिस तरह से 2023 की विधानसभा चुनाव में खुलकर पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष रहे भगत शुक्ला अपने 7 अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर विरोध किया था, इसके बावजूद 8 विधानसभा में से इकलौती सिमरिया सीट से यहाँ की जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर शत्रु सामने से हमला करे तो बचा जा सकता है, अगर पीठ पीछे वार करता है तो वह ज्यादा खतरनाक होता है। इन दिनों यह भी चर्चा है कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम अभय मिश्रा को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वही कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कभी भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि अपने ही पार्टी में वहीं पर प्रत्याशियों की टांग खींचते रहे और उसका परिणाम यह हुआ कि रीवा से कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया था और जिस तरह से सिमरिया विधानसभा में खुलकर विरोध किया वहां जीत मिली। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2023 विधानसभा चुनाव में अभय मिश्रा का यही कमल छाप कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया तो ही उन्हें सफलता मिली। अगर जनता इन ठेकेदार कमल छाप कांग्रेसियों की मानसिकता समझी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया तो एक बार फिर पार्टी छोड़कर जाने वालों के गाल पर जोरदार तमाचा लग सकता है। आपको बता दें कि इन दिनों ज्यादातर नेता ठेकेदार हैं, जो अपने कारोबार को संभालने के लिए जिसकी सत्ता रहती है उसी के पीछे दुम हिलाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सत्ताधारी पार्टी का पट्टा पहनना जरूरी है, क्योंकि इनके अवैध कारोबार नहीं चल सकते। आप खुद सोच सकते हैं कि 5 बार लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ने वाला अमहिया परिवार, जो 1999 से कोई जीत हासिल नहीं कर पाया, विधानसभा के कई चुनाव हारे, कारण यही खींचतान। अंत में कांग्रेस पार्टी के आखिरी सांसद रहे सुंदरलाल के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी ने भाजपा का दामन थामा तो उसके साथ रहने वाले भगत शुक्ला, जिन्हें 2 बार पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशी बनाया जो चुनाव नहीं जीत पाए। इतना ही नहीं, कई ऐसे नेता जो पार्षद, सरपंची, जनपद, जिला पंचायत तक न जीते और ना ही किसी को जितवा पाए, वह सिर्फ कांग्रेस का झंडा लगाकर राजनीति चमकाते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली तो वह खुलकर अब भाजपा का पट्टा पहनने के लिए मजबूर हो गए। कोई भोपाल पहुंच रहा तो कोई स्थानीय नेताओं से सदस्यता ले रहा। नेताओं का इस तरह से गिरगिट जैसा रंग बदलना और वहीं पर रंग बदलने वाले की असलियत जनता को समझ आने लगी है और समझना होगा। और इन नेताओं के पीछे पीछे चलने की बजाय अपने मत का खुद अपनी इच्छा से उपयोग कर ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करना होगा जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनता के हित के लिए लड़ाई लड़े। विराट 24 न्यूज की आप सभी दर्शकों से, गणमान्य नागरिकों से अपील है कि मतदान में हिस्सा अवश्य लें, मतदान करने अवश्य जाएं, आचार संहिता का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है, इसलिए 2019 के चुनाव से इसमें परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। अब राजनीति में कुछ लोग स्वार्थ के लिए आते हैं,
और वो देखते हैं कि अब हमें उधर हमें लाभ मिलेगा, भ्रष्टाचार करने की छूट मिलेगी, बेईमानी करेंगे, पैसे की चोरी करेंगे और भाजपा में जाके शामिल हो जाएंगे तो हमारा वो अपराध है समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि तमाम नेताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अजित पवार ने 20,000 करोड़ से घोटाला किया सिंचाई परियोजना में, उनको हम जेल भेजेंगे। और लेकिन जब ये वहाँ पहुँच बीजेपी की संस्था खड़ा कर ली और गंगा नहाए साफ हो गए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। आज कहीं को पूरी भ्रष्टाचार की गंगा प्रधानमंत्री मोदी के निवास स्थान से निकल रही है और जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने की ट्रेनिंग बचपन से ही ली है, झूठ बोल के अफवाह फैलाने का काम है। उसी की तरह अफवाह में लोग आ जाते हैं। जैसे हिटलर था, हिटलर का प्रचार मंत्री था गोबेल्स, उसका कहना था कि झूठ को 1,000 बार बोलो सच हो जाएगा। तो बार बार बोलने से लोगों के दिमाग में आ जाता है, वही उसी पदचिन्हों पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पार्टी का नुकसान किसी के जाने से नहीं होता है, लेकिन उनकी वहाँ पर क्या अहमियत रहेगी ये उनको सोचना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ ठेकेदार प्रवृत्ति के लोग होंगे वो शायद जाए, लेकिन सच्चा कांग्रेसी कोई जो होगा वो इस विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेगा।